जय नारायण बच्चों, आज हम सभी कक्षा 6 के लिए निर्धारित की गई पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता पढ़ेंगे। इस कविता के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। अब इस कविता के का भावार्थ जानने से भी पहले हम इस कविता के बारे में कुछ और जानकारियाँ जुटाते हैं, जैसे कवि परिचय कि जिन कवि ने यह कविता लिखी उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई या उनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं, और हम सब इस कविता का सार भी पढ़ेंगे। सार का अर्थ है कि इस कविता का मूल जो भाव है वह क्या है। तो सबसे पहले हम इस कविता के कवि का जीवन परिचय पढ़ते हैं या संक्षिप्त परिचय उनका जानते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी हिंदी भाषा के महान कवि थे और इनका जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अमन का राग, एक पीली शाम, एक नीला दरिया बरस रहा आदि हैं। इन्हें अनेक पुरस्कार भी मिले, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार, कबीर सम्मान आदि हैं। इनकी मृत्यु 12 मई 1933 को हुई, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाओं से हमारे मन में आज भी अपनी जगह बनाए हुई है। अब हम कविता पर आने से पहले उसका भावार्थ जानते हैं। सबसे पहले इस चित्र को देखकर आपको एक उत्सुकता होती है कि ये जो चांद है यह कैसा है। ये देखते हैं जब आप कभी रातों में तो यह आपको कैसा दिखता है, इसमें कुछ धब्बे दिखते हैं, तो आपके मन में उत्सुकता उठती कि है क्या। ऐसी ही उत्सुकता एक 10-11 वर्ष की बच्ची के मन में उठी और उसने चांद से बातें करना चाहा। उसकी जिज्ञासा हुई चांद के बारे में जानने की और उसकी जिज्ञासा को और कोई शांत न कर पाता, तो उसने चांद से ही गप्पे लड़ाने की सोची। गप्पे क्या है बच्चों? गप्पे है कि अपने मन चाही और मन को आनंद देने वाली बातें जो हम दूसरों से करते हैं, उसे ही हम गप्पे कहते हैं। तो इस कविता में 10-11 वर्ष की एक बच्ची चांद से गप्पे कर रही है और अपनी कल्पना कर रही है कि चांद जो है वह घटता बढ़ता क्यों है, उसका आकार हमेशा एक जैसा क्यों नहीं रहता। तो इस कविता में चांद सी थोड़ी सी गप्पे कविता जो है इसमें शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा जो लिखित है, इस कविता में कवि ने एक 10-11 साल की एक लड़की के मन का वर्णन किया है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है और उनके बारे में अधिक जानना चाहती है। वह चांद से पूछती है कि वे क्यों तिरछे नज़र आते हैं, कि अक्सर क्या होता है कि चांद तो गोल कहा जाता है और कभी कभी गोल दिखाई भी देता है, लेकिन वो हमेशा गोल नहीं रहता, वो फिर तिरछा होता जाता है, तो उसके आकार में हमेशा परिवर्तन हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, यह लड़की जो है वह चांद से पूछना चाहती है। वह सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है कि ये जो सारा आकाश है वह चांद ने उसे पहन रखा है, जिसमें क्या है कई सितारे जड़े हुए हैं। जैसे क्या होता है बच्चों, जब आप कोई भी वस्त्र पहनते हो तो उसमें तमाम तरह की कारीगरी होती है, कहीं स्टोन्स लगे होते हैं, कहीं सितारे लगे होते हैं, ऐसे ही जो है आकाश को वो चांद का वस्त्र मानती है और मानती है कि उस वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए उसमें सितारे जड़े गए हैं।
और चांद के आकार का घटना बढ़ना जो है वह बच्ची एक बीमारी के रूप में लेती है, कि जैसे चांद को एक बीमारी है कि वह जब घटता है तो घटता ही जाता है और जब बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, और ये उसे एक बीमारी जैसा लग रहा है क्योंकि यह ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस प्रकार की जिज्ञासा के साथ जो है लड़की चांद से गप्पे लड़ाना चाह रही है। आगे के भाग में हम कविता का मूल अर्थ जानेंगे। इसमें आप देखिए कि इसमें पूरे चंद्रमा का भी चित्र दिया हुआ है और उसके घटते आकार का भी चित्र दिया है। इसका यही घटता बढ़ता आकार देखकर लड़की के मन में, किसी के मन में भी यह जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है जो कि अभी बहुत जानकार न हो, जिसने अन्य विषयों की पढ़ाई अभी न की हो, वह चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या अमावस्या, पूर्णिमा आदि के विषय में नहीं जानता हो, तो प्रायः सभी के मन, उन सभी के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है कि चांद कभी पूरा दिखता है और कभी आधा या कम, इसका आकार घटता बढ़ता क्यों रहता है। तो इसी जिज्ञासा के साथ हम कविता के आगे मूल भाग पे बढ़ेंगे, अगले भाग पे। इसमें आपको देखिए तिथियां भी दिखाई गई कि किस प्रकार जो चांद घटता बढ़ता है तो फिर क्या परिवर्तन होता है। आप इस चित्र में देखेंगे कि जब चांद घटता जाता है तो कौन सी तिथि आती है, अमावस्या, और अमावस्या के दिन ऐसा होता है कि चांद हमें दिखाई ही नहीं देता, और फिर वहीं से जब वह बढ़ना शुरू होता है तो जब पूरा आकार अपना ग्रहण कर लेता है तो उस दिन पूर्णिमा की तिथि हो जाती है। तो पूर्णिमा से अमावस्या तक का जो की यात्रा है वह कृष्ण पक्ष कहलाती है और यह 15 दिनों की होती है, और फिर अमावस्या जब चंद्रमा का आकार बिल्कुल दिखता नहीं उससे लेकर अपना पूर्ण आकार जब वह प्राप्त करता है ये यात्रा भी 15 दिनों की होती है, और इस 15 दिनों के पक्ष को शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार 15 दिन कृष्ण पक्ष के और 15 दिन शुक्ल पक्ष के मिलाकर 30 दिन हो जाते हैं और एक महीना पूरा होता है। तो एक महीने में एक तिथि आती है अमावस्या जो 15 दिनों पर आती है, और दूसरी तिथि आती है पूर्णिमा जो अगले 15 दिनों की यात्रा पूरी करने पर आती है। धन्यवाद।